बॉलीवुड में एक्ट्रेस जरीन खान की 8वीं फिल्म अक्सर दो रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में उन्होंने गौतम रोडे और अभिनव शुक्ला के साथ काफी बोल्ड सीन्स दिए हैं। वैसे बात अगर उनकी जर्नी की करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने फिल्मों के लिए खुद को काफी हद तक ट्रांसफॉर्म किया है। कभी उनका वजन 100 किलो हुआ करता था, इसी मोटापे की वजह से उन्हें डेब्यू फिल्म वीर में काफी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा था। ऐसे तय किया 157 किलोग्राम का सफर। दैश कुछ टाइम पहले ही जरीन खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पुराना फोटो शेयर किया है। ये फोटो 9वीं और 12वीं क्लास के दौरान का था। दैश जरीन का वजन उस वक्त 100 किलो हुआ करता था। उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया था कि लोग मोटापे के लिए उन्हें काफी ताने मारा करते थे। दैश जैसा कि उन्होंने पोस्ट में कहा था कि टीनेज में वे काफी जंक फूड खाया करती थीं और एक ट्रेस नहीं डॉक्टर बनना चाहती थीं। दैश काफी वक्त के बाद जब उन्हें लगा कि बॉडी में आया ये बदलाव डॉक्टर हो या एक ट्रेस किसी फील्ड के लिए सही नहीं है, तब उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत की। दैश वर्कआउट जिम लिमिटेड डाइट प्लान फॉलो करने के बाद उन्होंने लंबे टाइम के बाद 43 किलो वजन घटाया। दैश अब फिट रहना जरीन की प्रायोरिटी बन चुका है। वे फिटनेस ट्रेनर यास्मीन कराची वाला के गाइडेंस में वर्कआउट करती हैं और उन्होंने अपना वजन 57 किलो कर लिया है। जब जरीन ने ठुकराया 1 करोड़ का विज्ञापन, दैश जरीन ने बताया कि वे मोटापे से परेशान कई महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती थीं। दैश उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनके लिए करीब 1 करोड़ की अमाउंट का एक वजन घटाने की दवाइयों वाला विज्ञापन ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे करने से साफ मना कर दिया था। दैश जरीन का कहना था कि वे किसी ऐसे प्रोडक्ट को बढ़ावा नहीं देना चाहती जिसमें वे खुद विश्वास नहीं रखती हैं। दैश बकौल जरीन, मैंने अपनी बॉडी को फैट टू फिट करने के लिए जिम में घंटों पसीना बहाया है, तब जाकर मुझे ये फिगर मिला। साफ है वजन घटाने का कोई शॉर्टकट नहीं है।